सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष सावन के पहले सोमवार पर आगरा के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना और जलाभिषेक के लिए एकत्र हुए। ऐसा ही नजारा शिवनगरी के राजपुर चुंगी स्थित प्राचीन राजेश्वर मंदिर में भी ताता भक्तों का देखने को मिला। भक्तजन देर रात से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में आना शुरू हुए। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेश्वर मंदिर में और आप यहां देख सकते हैं कि देर रात से ही भक्तों का आना जाना लगा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही भक्त यहां पर अपने शिव की आराधना करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं और भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। यहां सुबह से ही जो कह सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो भक्त हैं भगवान शिव के यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। एंट्री गेट से अगर देखा जाए तो कितनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर जिस तरह से बात की जा रही है कि राजेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कह सकते हैं कि सावन का पहला सोमवार है, जिसको देखते हुए यहाँ पर यानी पूरी तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। अगर लेके जाए कि बम बम भोले के जयकारे लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त हैं यहाँ पर बम बम भोले के जो शिवालय है पूरा जो बम बम भोले के जयकारों से यहाँ गूंजता हुआ नजर आ रहा है। भक्ति में काफ़ी जो कह सकते हैं कि शक्ति दिखाई दे रही है। यहाँ नारी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ भक्त यानी भगवान शिव की आराधना में लीन दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भक्त पहुँच कर भगवान शिव को मनाने की जो कह सकते हैं उनकी आराधना में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की जो कह सकते हैं कि कब से यहाँ पर यहाँ लगे हुए हैं। आइए यहाँ पर यानी कुछ भक्त आई उनसे बात करेंगे। मैम कब से लगे हुए हैं लाइन? काफी देर हो। आज क्या भगवान शिव के यहाँ क्या मांगा है? अभी जाएंगे, अभी दर्शन करेंगे, अभी तो मांगेंगे। क्या मांगना है? क्या मांगना आया? कुछ मांगने नहीं आया, दर्शन करने आया बस। देखा भगवान शिव के यानी यहाँ पर यानी लोग हैं यहाँ सुबह से ही दर्शन करने के लिए आए हैं और मंदिर कमेटी के जो कह सकते हैं यहाँ पर कमेटी के सदस्य भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। सर आज पहला सोमवार है, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? सी न्यूज का प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यहाँ पर जो आप व्यवस्थाएँ देख रहे हैं मेला कमेटी और ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता बराबर इतवार से ही लगे हुए हैं और रात 2 या 3 बजे तक लगे रहेंगे, जिससे किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी न हो। कामड़ें बराबर निरंतर आ रही हैं और इस वर्ष कामड़ें सबसे ज़्यादा आई हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानी न हो। साथ ही साथ हमारी माताएँ और बहनाएँ और शिव भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए निरंतर हम हर चीज पर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। डाक कामर भी आई, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग जो भगवान शिव की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जयकारे देखने हुए मिलते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कांवड़ भी यहाँ पर आई हुई हैं जो भगवान भोलेनाथ के जो चरणों में यहाँ पर समर्पित हो रही हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो राजेश्वर मंदिर की हैं और पूरी तरह से यूँ कह सकते हैं कि शिवालय पूरी तरह से यहाँ भक्ति में लीन दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सुरक्षाएँ व्यवस्थाएँ भी यहाँ पर जो किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षाएँ व्यवस्थाएँ भी तगड़ी रखी जा रही हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएँ सही देखी जा रही हैं और यहाँ पर जो शिव मंदिर की जो भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि भगवान शिव को जल अभिषेक कर यहाँ भक्त यानी अपनी जो मनोकामना है पूर्ण कर सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी संख्या में यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और जयकारों से जो कह सकते हैं कि जयकारों से भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं। अभी तो देखा जाए जिस तरह से अगर व्यवस्थाएं की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। भक्त पूरी तरह से यहाँ देखे जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर निरंतर देखने को मिल रहे हैं।
जिस तरह से अगर बात की जाए तो देखें यहाँ पर व्यवस्थाओं की पूरी तरह से व्यवस्थाएं संभाल ली हैं। सुबह से व्यवस्थाएं किस तरह की चल रही हैं, कब से यहाँ पर? मेरे हिसाब से यहाँ लाखों आदमी अभी तक दर्शन कर चुके हैं और पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं और सबको अच्छे से अच्छा दर्शन कराने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। किसी को असुविधा न हो पाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि इस समय सावन का पहला महीना है और कांवरों की संख्या बहुत है। इतनी संख्या में कांवर पहले नहीं चढ़ी है, इस साल कांवर बहुत हैं, उनकी भी व्यवस्था करी जा रही है। उनको अलग से लाइन में लगाकर दर्शन कराए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भयंकर भीड़ जो इस साल दर्शन के लिए उमड़ी है वो एक अद्भुत दृश्य है। एक देखा कि यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से हैं। यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, यहाँ भक्त कह सकते हैं कि लंबी लाइन में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे। हर हर महादेव। देखा कि यहाँ पर भक्त हैं वो भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरी कह सकते हैं कि लंबी लाइन दिखाई दे रही है, व्यवस्थाएं पूरी तरह से देखी जा सकती है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ताजनगरी के प्रमुख मंदिरों में से एक है और इसी तरह से यहाँ पर सुबह से ही भक्त अपने भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और जलाभिषेक कर उनकी आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने साथी प्रताप के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।